सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उच्च सत्य निष्ठा और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, उनकी जन्म तिथि 31 अक्टूबर के उपलक्ष में हर साल विजिलेंस अवेयरनेस वीक यानी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। और हमने इसी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। राम 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 राम। कागज दे दिए बैंक में? हाँ दे दिए दे दिए। चलो ठीक है। राम राम भैया। राम राम। क्यों आज मूड में नहीं लग रहे हो, क्या हुआ? अरे क्या बताऊँ, बहुत बुरा हाल है। चलो आओ तुमको सुनाता हूँ। चलिए चलिए। लोन के लिए बैंक में आवेदन किया था लेकिन 10 दिन हो गए, वो बैंक का मैनेजर मेरे को है ना कागज के ऊपर कागज मांग रहा है और चक्कर का चक्कर मेरे को बैंक का कटवा रहा है। तो उसमें क्या बड़ी बात है, आप कागज दे दो, उसमें क्या हुआ? मैंने कितनी बार कागज उसने मांगे उतनी बार सब कागज दिए लेकिन वो चक्कर पे चक्कर ही कटवा रहा है। चलो फिर तो आज मैं आपके साथ आऊंगा बैंक में जाके, मैनेजर से बात करेंगे हम। ऐसा है, आप पढ़े लिखे लगते हो तो चलो आ जाओ साथ में, उसको बैंक वाले मैनेजर को समझाओ थोड़ा कि वो क्या प्रॉब्लम है उसको। चलिए मैं भी आपके साथ आता हूँ। हाँ हम बैंक में बैठे इसलिए है कि जिसको भी जरूरत हो उसको हम लोन देंगे। जब हम आपको लोन देंगे तभी तो हम कुछ लेंगे। साहब आपका सारा सामान आपके घर पे भिजवा दिया। जो मैंने बोला था वो सारा सामान आपने भिजवा दिया, तो आप भी चिंता छोड़ दो, आपकी लोन तो पक्की पास हो गई समझ लो। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। देखिए लोन का जो एप्लीकेशन दिया था उसमें जो भी कागज दिए थे बहुत कम थे। पिछली बार के जो कागज आपने दिए हैं उसको जोड़ के आपका लोन 5 लाख का होगा। सर ये 5 लाख रुपए में तो मेरा कुछ नहीं होगा सर, पूरी 10 लाख की लोन प्लीज कर दीजिए ना सर। देखो करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आपका लोन तो आराम से पास हो जाएगा लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा, खर्चा पानी समझ तो रहे हो ना। और हाँ ये बात केवल हम दोनों के बीच की ही है और किसी को पता न चले उसका ध्यान रखना। साहब और मुझे क्या करना पड़ेगा, जो आपने बोला था वो तो सब मैंने कर दिया। अरे रमेश तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें अलग से कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? साहब मैं सब समझ गया। साहब आप लेन देन की बात कर रहे हो ना? अब जाकर तुम समझदार व्यक्ति को लेके आए, पहले ही इसे लेके आए होते तो इतने आपको चक्कर नहीं काटने पड़ते। साहब मैं इसे सब समझा दूंगा, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अरे क्यों नहीं, ये बैंक भी इधर ही रहेगा और ये बैंक का मैनेजर नामदार भी इधर ही रहेगा। बैंक तो कहीं नहीं जाने वाला लेकिन तेरा पता नहीं। क्या कुछ कह रहे थे आप? अरे नहीं नहीं मैं इसे कह रहा था चले अब बाहर। इसको सब समझा दो, लोन तो तुम्हारा तैयारी है समझो। अरे हाँ हाँ साहब मैं इसे समझा कर ले आऊंगा। तो ये नामदार का काम बिना दाम का होने वाला नहीं है। मतलब अरे सरल सी बात है, वो नामदार तुमसे पैसे ऐंठना चाह रहा है। तभी मैं सोचूं कि वो क्यों मेरे को बैंक पे चक्कर कटवाया जा रहा है। देख भाई इसी कागज पे तुम्हारी लोन होने वाली है, वो नामदार कमीशन के तौर पे 30 से 35 हजार या फिर 50 से 60 हजार रुपया ले सकता है। अरे इतना सारा पैसा अगर मैं मना करूँ तो तुम्हारी लोन पास नहीं होगी, और होगी तो भी केवल 5 लाख की होगी और 5 लाख में तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। अरे पैसे की तो मेरे को सख्त जरूरत है। बस यही जरूरत तुम्हारी वो समझ चुका है। तो क्या करे, जितने पैसे मांग रहा है उतना पैसे ही दे दे। अरे मैंने कब कहा पैसे देने के बारे में, क्या तू पीडीपी में नामदार के खिलाफ कंप्लेन करेगा? अरे भाई मुझे ऐसी कोई कंप्लेन नहीं करनी, फिर तो मेरा 5 लाख भी नहीं पास होगा। अरे भाई तो डरता क्यों है,
पहले ये बता, तुम्हें पीडीपी के बारे में कुछ पता है भी या नहीं? पीडीपी? ये पीडीपी क्या है? ऐसा नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सुन, पीडीपी एक ऐसा कानून है जिसकी मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी अधिकारी जो ईमानदारी से काम ना करे उसकी कंप्लेन दे सकते हो। तुझे सारी जरूरी बात एक कागज पे लिख के एक पते पे डाक में भेजना है, बस हो गई तेरी कंप्लेन। क्या कहा, डाक से? हाँ भाई, डाक से। और फिर उसके बाद? उसके बाद क्या, कुछ दिनों का इंतजार और नाम डर गया काम से। क्या बात कर रहे है? अरे फिर मेरी लोन का क्या होगा? अरे यार पूरी बात तो समझ, वो नामदार की जगह कोई तो कामदार आएगा, उससे तेरी लोन पास हो जाएगी। चल भाई चल, जल्दी चल। कहाँ? अरे डाक में अर्जी देने। अरे राम राम रमेश। अरे राम 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 राम, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? अरे मेरी लोन पास हो गई। तो देखा आपने, भारत में कहीं सारे ऐसे रमेश होंगे जो सरकारी योजना का लाभ लेने और अपने निजी कार्यों की वजह से आए दिन सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के करप्ट अधिकारियों की चुंगल में फंसते रहते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी रमेश को जानते हैं तो उसे पीडीपी के बारे में बताएं और उसकी मदद कीजिए। जय हिंद।